हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बेसन का चीला, बच्चों के टिफिन एंड ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं बेसन का चीला। इधर ले लिया एक कटोरी बेसन, एक टमाटर, एक शिमला मिर्च, दो गाजर ले लिए हैं, डेढ़ गाजर है, आधी है, एक पूरी है, दो प्याज। चलिए बनाते हैं बेसन का चीला। बेसन को हम क्या करेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे, छन्नी से छान लेंगे इसको। छानने के बाद बेसन हमारा छन गया है, अब इसको हम एक बाउल में कर लेंगे ताकि हम इसको इसका पेस्ट बना सकें। एक कप बेसन में एक कप पानी ले लिया है, अब इसका धीरे धीरे पेस्ट बना लेंगे। जिस तरह से डोसे के लिए होता है हमारा बैटर, इसी तरह से इसको कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे धीरे धीरे। इधर सब्जियां मैंने चॉप कर ली है, एक गाजर, एक प्याज, आधा शिमला मिर्च, आधा एक टमाटर पूरा, बाकी ये उठा के रख दिया है। जैसे बच्चे खाएंगे उसी हिसाब से चॉप करेंगे। इधर मैंने बेसन का पेस्ट कर बना लिया है, घोल बना लिया है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको। देखिए इस तरह से गिरे, इस पर डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्चा, थोड़ा सा गरम मसाला, आपकी इच्छा हो तो डालिए, नहीं इच्छा हो तो कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा धनिया पाउडर, इसको फेंट लेंगे अच्छे से। इधर ले लिया है तवा, तवे पे हम बटर या घी थोड़ा सा लगा लेंगे। बटर लगा लिया है, इसको थोड़ा सा डोसे की तरह फैला लेंगे इसको। क्या करेंगे दोस्तों, सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी इधर लगा देंगे, थोड़ा सा बटर टेस्ट बढ़ाने के लिए, साइडों में थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए। दोस्तों ये मेरी रेसिपी आपको चीले की कैसी लगी है, बच्चों की टिफिन रेसिपी, प्लीज बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसको पलटेंगे हम इस तरह से, आप सिंपल सिंपल ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए बना सकते हैं। ओके दोस्तों, आप लोगों को मेरी टिफिन रेसिपी कैसी लगी है उसके लिए बताइएगा। बच्चों की ब्रेकफास्ट एंड टिफिन रेसिपी दोनों ही हैं, आप नाश्ते में भी हल्का फुल्का दे सकते हैं और टिफिन के लिए भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे हैवी टिफिन नहीं ले जाना पसंद करते। कोई दोस्तों आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।